Damn, if you're trying to make a setup look like this, but your setup looks like... Damn and welcome back to the channel. Hope you're happy in what you're doing, and if not, life is too short to be sad, man. So I'll tell you two ways जिससे तुम्हारा सेटअप ऐसा दिख सकता है. तो पहला सेटअप उन लोगों के लिए जो अंबानी से भी अमीर है, और दूसरा मेरे जैसे लोग जो बजट में अपना सेटअप बनाना चाहते हैं. सो इफ यू आर थिंकिंग कि कल कल ऑंडा आके भैया हमें बता रहा है कि सेटअप कैसे बनाना है, लेट मी शो यू मैं दो साल से कैसे कैसे ट्राई मार के अपने सेटअप बना रहा हूँ. तो इन चीज़ों की शुरुआत 2 साल पहले हुई थी, जब मैंने अपना पहला सेटअप बनाया था उस और तब मैं सोचता था कि मेरे सेटअप वैसे क्यों नहीं लगते हैं जैसे यूट्यूबर लोगों के लगते हैं. मैंने भी तो वही लाइट खरीदी है, लेकिन तब भी मैं प्लेसमेंट गलत करता था और शायद मेरे को उस समय चीज़ें आती भी नहीं थी ठीक से. उसके बाद ये मेरा दूसरा सेटअप, उसके बाद ये मेरा तीसरा सेटअप, उसके बाद मैंने हार मान ली. हाँ, 2 साल तक ट्राई करने के बाद मैंने आखिरकार अपना सेटअप बना ही लिया. सेटअप उन लोगों के लिए जो अंबानी से भी अमीर है, इसमें तुम लोगों को क्या लगता है? गोडॉक्स SL60 इंडिया की पहली पसंद है ना. अब लगाने को तो तुम लोग अपर्चर भी लगा सकते हो 120D, लेकिन इतने पैसे शायद नहीं होंगे तुम लोग के पास. मेरे पास नहीं है, तो शायद तुम लोग के पास भी नहीं होंगे. तो गोडॉक्स SL60 बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर तुम्हारे पास थोड़े बहुत पैसे है. तो उसके साथ एक लगा सकते हो 80 सेंटीमीटर का सॉफ्ट बॉक्स, और अगर तुम्हारे पास बहुत ही बड़ा रूम है तो 120 सेंटीमीटर का भी ले सकते हो. और उसके साथ चाहिए रहेगा तुम्हें एक हैवी ड्यूटी स्टैंड, सस्ता वाला मत लेना वो गिर जाएगा ठीक है. तो थोड़ा महंगा वाला ले लेना, 700 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा लेकिन आ जाएगा सही. तो गोडॉक्स SL60 आज के टाइम पे कुछ 8,000 की आती है, और ये सॉफ्ट बॉक्स मेरे ख्याल से 2,500 या 3,000 का होगा, और जो स्टैंड है वो 1,500 का होगा. तो टोटल मेरे ख्याल से 12,000 या 13,000 के आसपास पड़ जाते हैं वाला सेटअप. लेकिन अब भाई साहब अपने सेटअप तो ले लिया, लेकिन इसके बाद भी इस लाइट को अगर तुम लोगों ने थोड़ा भी गलत लगा दिया ना, तो ये लुक जो आ रहा है ना वो घंटा नहीं आने वाला है कितना भी कोशिश कर लो. तो जो एंगल ऑफ प्लेसमेंट ऑफ लाइट है ना वो बहुत सही रखना पड़ता है, नहीं तो ये लुक घंटा आता है. तो पहले मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे पास 3-पॉइंट लाइटिंग सिस्टम नहीं है, इसलिए मेरी फुटेज इतनी अच्छी नहीं आती है, क्योंकि उसमें एक लेफ्ट साइड में राइट चाहिए रहती है, एक राइट पे और एक पीछे से आपके सर पे आती है. उस टाइप की लाइटिंग सेटअप करने के लिए मैंने कोशिश की थी, लेकिन और मैंने एक एक करके लाइट भी खरीदी, लेकिन उसके बाद जो मेरे को पता चला कि एक लाइट में भाई तुम्हारा सब काम हो जाता है, उसमें ही सबसे बेस्ट लुक निकल के आता है. 3 लाइट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये लिख के रख लो ठीक है. अगर तुम्हारे पास बहुत पैसा है तो तुम खरीदते रहो लाइट, लेकिन अगर नहीं है तो एक लाइट में सब काम हो जाता है. तो लेट मी शो यू तुम लोगों को ये सेटअप रखना कैसे ठीक है. मतलब अगर तुम लोग स्ट्रेट कैमरे से बैठे हो तो तुम लोग को बस थोड़ा सा इस वाले एंगल पे लाइट को डायरेक्टली अपने मुंह पे लगाना है. सो लेट मी टर्न ऑन द रूम लाइट्स ताकि तुम लोगों को दिख सके कि मैं कैसे सेटअप करता हूँ. तो मैं अपने फ़ोन से तुम लोगों को दिखाता हूँ कि मेरा रूम कैसा दिखता है. ये 60 FPS के कारण फ्लिकर कर रहा है. तो यहाँ पर लगा हुआ है गोडॉक्स SL60, सामने में है कैमरा, और ये है रिंग लाइट, और बाकी पीछे का इग्नोर करना ठीक है. तो साइड से ये कुछ ऐसा दिखता है. ठीक है, और अब इस वाले कैमरे को ज़ूम आउट कर देता हूँ. लेंस मैंने वापस लगाया था. तो मैं कुछ यहाँ ऐसा बैठता हूँ, लाइट मेरे कुछ ऐसे सामने लगे रहती है जैसा कि मैंने बोला था, डायरेक्ट मैं अपने मुंह पे रखता हूँ. और स्ट्रेट से अब तुम लोग देख सकते हो कि ये कितना दूर है ठीक है. और ये रिंग लाइट है, रिंग लाइट भी तुम लोगों को सेम ही जगह पे लगानी है, मैं बार बार नहीं बताऊँगा, तुम लोग समझ जाओगे ठीक है. तो ऐसा कुछ लगता है सेटअप, पीछे से देखने से ये कुछ ऐसा लगता है. अभी मैंने वाली लाइट बंद कर दी है. तो यही है अपना सेटअप. तो अगर तुम लोग ये सेटअप कैमरे के पीछे से देखोगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा. वहाँ पे लाइट, मैं वहाँ ऐसा सीधा बैठता हूँ, और यहाँ सामने एक साइड से लाइट आती है ठीक है. वो मेरा डायमंड प्ले बटन कभी आया, कभी तो शायद ही आएगा, लेकिन ठीक है सिल्वर दिलवा दो उतना काफ़ी है. तो लाइट को सेटअप करते समय भी ना बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है अगर, और ये तुम्हारे फेस पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है. तुम लोगों ने बहुत सारी वीडियो में देखा होगा कि लोग कहते हैं कि ऊपर से लगा दो 45 डिग्री एंगल पे बस, बट अगर तुम्हारे फेस के हिसाब से अगर तुम्हारी आँखें अंदर है और अगर तुम ऊपर लगाओगे तो वो रेकोगनाइज बन जाएंगी ठीक है. तुम्हारे आँख के नीचे पूरा शेडो बन जाएगा और वो बहुत बुरा लगता है ठीक है, क्योंकि मेरी है वैसे. तो मैं अपनी लाइट को 45 डिग्री पर नहीं लगाता हूँ, मैं डायरेक्टली उसको अपने फेस पर लगाता हूँ ताकि वो जो शेडोज़ बनती है यहाँ पर वो पूरी छुप जाए और जो लुक आता है वो बहुत अच्छा निकल के आता है.
तो एक और चीज़ होगा तुम लोगों को ध्यान रखना है कि तुम लोगों को अपना प्रोफाइल पता होना चाहिए कि लेफ्ट प्रोफाइल अच्छा दिखता है या राइट प्रोफाइल अच्छा दिखता है। तो मेरा लेफ्ट प्रोफाइल अच्छा दिखता है तो मैंने इसको लेफ्ट साइड पे प्लेस किया है और मैं इस वीडियो को फ्लिप कर देता हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि मैं मिरर इमेज में ज़्यादा अच्छा दिखता हूँ, तो मैंने इसको हमेशा मिरर करते रहता हूँ अपने फुटेज को। और मैं इसको ऐसे प्लेस करता हूँ कि जो इस साइड का हिस्सा है उस पर ज़्यादा लाइट ना पड़े। यहाँ पे एक ट्रायंगल टाइप का तुम लोग को बनता हुआ दिख रहा होगा, मेरे को नहीं पता, मेरे को इतने दूर से दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि इसमें मैंने 50mm का लेंस लगाया हुआ है तो कैमरा बहुत दूर है अभी, लेकिन यहाँ पे एक ट्रायंगल टाइप का बनता हुआ दिख रहा होगा। और ये जो लुक है ये सबसे बेस्ट है, इससे अच्छा लुक आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो सेकेंड, अब मेरे जैसे लोग हैं जो लोग बजट में अपना सेटअप बनाना चाहते हैं लेकिन जब भी वो ट्राई करते हैं कुछ और ही बन जाता है उनका सेटअप, तो जल्दी से मैं लाइट चेंज करता हूँ और अपनी बजट वाली लाइट लगाता हूँ, उसके बाद देखते हैं कि सेम इफेक्ट आता है कि नहीं। तो राइट नाउ आई एम करेंटली शिफ्टेड टू द बजट सेटअप। बजट सेटअप में मैंने क्या यूज़ किया, पूरी दुनिया की चाहिए थी रिंग लाइट। हाँ, तुम लोग रिंग लाइट का यूज़ कर सकते हो, देखो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ टिकटॉक वाले ही रिंग लाइट यूज़ करें, यूट्यूबर भी यूज़ करते हैं लेकिन बताते नहीं ज़्यादातर, और अगर बताते हैं तो ये नहीं बताते कि उसका यूज़ कैसे करें, है ना। तो इसको तुम लोग एक लेफ्ट साइड पे लगा सकते हो। और रिंग लाइट मेरे ख्याल से 2800 से लेके 3500 तक आ जाती है अच्छी वाली। डिजिटेक या पावर पैक दो तीन ब्रांड आते हैं और एक सिंपेक्स की भी आती है, तो ये 3000 या 3500 तक तुम लोग को मिल जाएगी। इसका स्टैंड सस्ता वाला भी ले सकते हो, हल्का वाला 500 का आता है या 550 का आता है शायद, उस पर लग जाती है और उसके साथ भी तुम लोग ऐसा वाला सेटअप बना सकते हो। अगर तुम लोग को रिंग लाइट नहीं लेना है, तुम लोग को और सस्ती लाइट लेना है, तो 1500 या 1600 रुपए में एक स्क्वायर वाली लाइट आती है, मेरे को पता नहीं उसको बोलते क्या, डिजिटेक की आती है शायद या सिंपेक्स की भी आती है, तो वो स्क्वायर वाली लाइट भी तुम लोग मंगा सकते हो अमेज़ॉन या फिर लोकल मार्केट से भी ले सकते हो। लिंक्स मैं शायद डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में अगर मेरे को लगेगा कि डालना चाहिए, और अगर तुम लोग लिंक से लोगे कुछ तो शायद मेरे को कुछ मिले, पता नहीं, मैंने आज तक ट्राई नहीं किया है, ये चैनल भी नया है, मैं ट्राई भी पहली बार कर रहा हूँ, तो लेके देखना, अगर मिलेगा तो तुम लोग को भी बताऊँगा, ठीक है। तो उसके बाद आती है अपनी सबसे मेन बैकग्राउंड लाइट, ठीक है। बैकग्राउंड लाइट के लिए मैंने अमेज़ॉन से एक ऐसी लाइट ऑर्डर कर दी थी, मेरे ख्याल से 250 या 300 की आती है, मेरे को करेंटली प्राइस नहीं पता, मैं डाल दूंगा स्क्रीन के ऊपर। तो ये लाइट मैंने बहुत पहले लिया था और ये अभी तक चल रही है। इसके साथ वो पुराने ज़माने के कलर वाले रिमोट मिलते हैं जो कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं फ़ोन में IR ब्लास्टर से चला रहा हूँ इस लाइट को और बहुत अच्छा काम करती है ये, याद रखना ये सिर्फ 24, 50 और शायद 100 FPS पे ही काम करती है, बाकी सब अगर तुम लोग 30, 60 या 120 FPS शूट कर रहे हो ना भाई साहब, ये मस्त फ्लिकर करती है, मैं तुम लोग को दिखा दूंगा बाद में। तो अब तुम लोग देख सकते हो कि ये लाइट क्या मस्त फ्लिकर कर रही है। तो मैं अभी 30 FPS पे 1/60 के शटर पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तुम लोग देख रहे होंगे कि मस्त ये फ्लिकर कर रही है। तो 30 FPS पे भी मैं 1/50 का शटर यूज़ कर रहा हूँ ताकि फ्लिकर ना करे और वीडियो स्मूथ भी बन जाए। तो ये जो लाइट है इसको मैंने बस ऐसे पीछे रख दिया है एस्थेटिक के लिए, एस्थेटिक तो तुम लोग को पता ही होगा, है ना। अब बैकग्राउंड में एस्थेटिक के लिए मैंने दो चीज़ लगाई है, एक तो गिटार और दूसरा तुम लोग को स्क्रीन तो दिख ही रहा होगा, उस पर प्रीमियर प्रो चला देता हूँ मैं, वो बिल्कुल मस्त दिखता है। और गिटार मेरे पास है, मैं गिटार बजाता हूँ, तुम लोगों ने इंट्रो में भी देखा होगा, इसलिए इंट्रो में जो जो चीज़ है वो चीज़ें मैं करता हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ है नहीं कि मैंने अलग से डाल के बना दिया है, वैसे इंट्रो में तो न्यूयॉर्क भी है यार। तो पीछे भी एक लाइट की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैं वहाँ पे स्क्रीन लगा देता हूँ, और एक पीछे गिटार तो था ही मेरे पास, मेरे पास एक्चुअली दो गिटार है, तो मैं एक को यहाँ रख देता हूँ और उस पर भी लाइट जला देता हूँ। मेरे को पिंक ज़्यादा सही लगता है मेरे सेटअप के साथ, तो मैं पिंक चलाता हूँ। मैंने बाकी कलर भी ट्राई किए, बाकी कलर भी अच्छे दिखते हैं, धीरे धीरे चेंज करूँगा, लेकिन अभी तो पिंक में काम चल रहा है तो चला ले। तो मैं सेटअप के साथ साथ और भी कुछ एग्जांपल वाले सेटअप डालूंगा कि बाकी जगह भी तुम लोग ये सेटअप बना के कैसे दिख सकता है, मतलब इस लाइट के साथ, तो मैं वो भी डाल दूंगा इसके साथ। तो कभी कभी मैं अपनी वीडियो पे ये वाला भी सेटअप यूज़ करता हूँ, ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ इसको, बहुत कम यूज़ करता हूँ आजकल, क्योंकि पहले मैं बीच बीच में मैंने ये वाला सेटअप यूज़ करना चालू किया था। तो ये मेरा लास्ट सेकेंड सेटअप है, देता हूँ कि मैं कैसे करता हूँ। तो वहाँ दीवार से लग के मैं कैमरा सेट कर देता हूँ और ये लाइट जैसे कि मैंने बताया था साइड पे रखता हूँ हमेशा और मुँह के ऊपर, और इस साइड पे ट्राई करता हूँ कि ज़्यादा क्या बोलते हैं शेडो है। तो ये भी कुछ मैं ऐसे ही सेटअप करता हूँ फेस के ऊपर, वाला सेटअप कुछ ऐसे रहता है, और मैं पीछे भी दिखा देता हूँ कि कैसा दिखता है। तो पीछे ये वाला लाइट ये गिटार के ऊपर आता है, तो ये सेटअप मैं तुम लोगों को कैमरा से दूर से दिखाता हूँ अपने फ़ोन के कैमरा से। सो ये मैंने कैमरा यहाँ लगा दिया है, लाइट यहाँ है, चेयर वहाँ है, पीसी वहाँ है, पीसी में इसका कोई काम नहीं है लेकिन पीछे ये काम आता है।
तो एक और मैं टिप देना चाहूँगा कि अगर तुम लोग स्टार्टिंग में अगर YouTube चालू कर रहे हो तो ज़्यादा खर्चा करने की कोशिश मत करो, ठीक है। जो मैंने सबसे बड़ी गलती करी थी कि मैंने सोचा था कि सब सामान खरीद लेते हैं, पहले ही सेटअप बना लेंगे। तो ये जो सेटअप मैंने सेटअप किया है ना, मेरे को 2 साल लगे इसको खरीद के बनाने के लिए। तो अगर स्टार्टिंग में ही हो तो एक रिंग लाइट लो, स्टैंड लगाओ और काम खत्म। और ये 800 रुपये वाला माइक खरीद लो, काम खत्म है तुम लोग का YouTube का। तो मैं ये सेम सेटअप तुम लोग को किट लेंस के साथ दिखाने वाला हूँ। अभी तो इस पर 50mm 1.8 लगा है। तो एक और चीज़ याद रखना, ये जो आउटपुट तुम लोग को दिख रहा है ना, ये 1.8 लेंस के साथ है। मेरे पास सोनी का A6400 है और उस पर 50mm लगा हुआ है, तो इसीलिए ये जो दिखता है ना वो ज़्यादा अच्छा दिखता है। अगर मैं वही अगर इसको बोके हटा दूँ ना तो थोड़ा ये गंदा दिख सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं तुम लोग को अभी ये किट लेंस के साथ भी दिखाने वाला हूँ कि अगर तुम्हारे पास किट लेंस भी है तो उसके साथ ये कैसे दिख सकता है। तो मैं किट लेंस लगा के आता हूँ वापस। तो मैंने ये सेम सेटअप किट लेंस के साथ कर दिया। अब तुम लोग देख सकते हो कि किट लेंस के साथ इसका क्या आउटपुट आ रहा है। मेरे ख्याल से थोड़ा डार्क हो गया होगा क्योंकि अपर्चर कम है, 5.6 पे चले गया, पहले 1.8 पे था। तो तुम लोग ये देख सकते हो। तो एक बार मैं फिर से गोडॉक्स SL60 भी लगा के दिखा देता हूँ कि उसके साथ अगर किट लेंस है तो कैसे दिखता है। तुम लोग फिर से देख सकते हो, मैं गोडॉक्स SL60 लगा के रखा हूँ और इससे कुछ ऐसा सेटअप आता है। पता नहीं मेरे को अभी कैसा आ रहा है, वो तो एडिट पर ही पता चलेगा। और एक चीज़ याद रखना, तुम लोग एडिट पे भी ना बहुत कुछ संभाल सकते हो। उसका भी ट्यूटोरियल मैं बाद में डाल दूंगा कि मैं अपनी कलर ग्रेडिंग कैसे करता हूँ, तो उसके लिए भी बने रहना। और अगर मैं बना लिया तो यहाँ कहीं पे मैं उसका लिंक डाल दूंगा, तुम लोग वो भी देख सकते हो कि मैंने अपनी एडिटिंग कैसे अच्छी की, मैंने अपनी कलर ग्रेडिंग कैसे अच्छी की। क्योंकि और एक चीज़ याद रखना, अगर कितना भी अच्छा सेटअप कर लो, अगर ग्रेडिंग नहीं आती है ना तुम लोगों करना, तो सेटअप टट्टी ही दिखने वाला है, ठीक है। तो वापस से 50mm पे शिफ्ट हो जाते हैं वीडियो ख़त्म करने के लिए। तो भैया वीडियो देख के अगर कुछ भी समझ में आया होगा या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही होगी तो तुम लोग कमेंट में लिख सकते हो, या इंस्टाग्राम तो है ही। अगर तुम लोगों को पूछना होगा कुछ समझ में आया होगा इस वीडियो से इतू सा भी, तो लाइक कर सकते हो वीडियो, कमेंट में भी लिख सकते हो और सब्सक्राइब तो कर ही देना, ठीक है। क्योंकि अभी नया नया चैनल है, तुम लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है, ऐसा बोलना चाहिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी वीडियो भी जाके देखो, पक्का तुम लोगों को कुछ ना कुछ सीखने तो मिल ही जाएगा, इतना तो मैं गारंटी दे ही सकता हूँ, है ना, हर वीडियो से। तो बस भैया इस वीडियो के लिए इतना ही, यहीं ख़त्म करते हैं, है ना। चलो फिर, बाय।